अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां प्रदेश सरकार के कैबिनेट बैठक में भाईसरा गोविंदगढ़ बायां भरतपुर जिगना मार्ग को टूल एंड डामरीकरण सड़क की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जहां सड़क की लागत 178.62 करोड़ होगी। सड़क बन जाने से रीवा सहडोल मार्ग की यातायात व्यवस्था अब सुगम हो जाएगी। कैबिनेट में स्वीकृत के बाद उक्त जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। इसी तरह दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना व संचालन के अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बताया जाता है कि पुलिस वाहन प्रशिक्षकों के 13 पद रहेंगे। यहाँ रीवा से कोई पद नहीं लेते हुए सभी पद बाहर व आउटसोर्स से भरे जाएंगे। आपको बता दें कि यह प्रदेश का दूसरा संस्थान होगा। इसके निर्माण पर कुल 31.12 करोड़ की लागत आएगी। कैबिनेट के निर्णयों में आज दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दतिया के अंदर दी गई है। इसमें जो ड्राइवरों के हेतु प्रशिक्षण कोर्स चलाए जाएंगे, इसमें 30 करोड़ उपकरणों के लिए रखे हैं और 90 लाख रुपए, इस प्रकार 31 करोड़ 12 लाख रुपए का वित्तीय प्रस्ताव पर भी सहमति दतिया के लिए दी गई है। प्रशासनिक व्यय के लिए भी 50 लाख रुपए, आउटसोर्सिंग पदों की पूर्ति के लिए 1 करोड़ रुपए, वाहनों के किराए के लिए 50 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए, इस पूरे के लिए इन पर सहमति आई दी है। इसमें 13 पदों की पुलिस वाहन प्रशिक्षण की स्वीकृति, इसमें रीवा से कोई भी पद नहीं लिया जाएगा, सब आउटसोर्सिंग और बाहर से भरे जाएंगे। वित्त विभाग का भी अदमत इसमें आ गया है। इस तरह से एक बड़ा प्रोजेक्ट आज कैबिनेट के द्वारा दतिया के लिए स्वीकृत किया है। भरतपुर भैंस राहा से गोविंदगढ़ वाया जिगना तक टू लेन विथ पेवर्ड शोल्डर डामरीकृत सड़क को भी आज स्वीकृति दी है। इसमें रीवा शेड्यूल मार्ग छुट्टिया घाट पर जो अंधा मोड़ है, वहाँ खड़ी चढ़ाई होने के कारण से चौड़ाई सीमित थी, जिससे अक्सर जाम लगता था। इस मार्ग के पूरे होने के बाद वो स्थिति नहीं बनेगी। ये पूरा जो मार्ग है, इसकी आज कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी है। 178.62 करोड़ रुपए के मार्ग है, जो अतिशीघ्र प्रारंभ हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से निर्देश दिए हैं।